एक्शन हो या फाइट सीन, शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब हमें कुछ नहीं पता होता। तो इन चार बातों को ध्यान में रख के आप एक्शन को बहुत आसानी से शूट कर पाओगे, चाहे आप मोबाइल से करो या कैमरा से। सबसे पहला, आपकी कोरियोग्राफी। सिर्फ एक्शन की ही नहीं बल्कि अपने कैमरा की भी कोरियोग्राफी आपको करनी चाहिए। अपने एक्टर्स को आपको बताना पड़ेगा कि जब तेरे मुंह पे मुक्का पड़ने लगेगा तो यार धीरे से जाना तू भी, ताकि मैं कैमरा को यहां से यहां घुमा के ले जाऊं और तेरा जो फेस का ये जो स्लो मोशन पड़ेगा मुक्का पड़ते हुए, ये काफी ज्यादा अच्छा दिखे। वीडियो आपको सारी शूट करनी पड़ेगी 60 FPS या उससे ज्यादा में, ताकि आप एडिटिंग के टाइम पे उनको स्लो कर पाओ। आपके फोन के अंदर ये जो 60 FPS से ज्यादा के होते हैं कि सुपर स्लोमो या स्लोमो 120 FPS वाले, उनमें वीडियो शूट नहीं करनी, क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है। हाँ, अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी वाले महंगे वाले फोन है या फिर एक कैमरा है जो 60 FPS से ज्यादा कर सकता है तो उनमें आप कर सकते हो, वरना 60 FPS आपके लिए दी बेस्ट ऑप्शन है। और अगर 4K हो तो 4K में और ज्यादा अच्छा है। अब हर फाइटिंग सीन के अंदर दो फ्रेम आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एक वाइड एंगल और दूसरा क्लोजअप। किसी भी मूवी के धमाकेदार एक्शन के बीच में आप जाके देखना कि कहीं पर भी मीडियम शॉट नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मीडियम शॉट में एक्शन समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। वाइड एंगल आपको रखना है जब दोनों कैरेक्टर्स आपको दिखाने हैं लड़ते हुए, थोड़ा सा एरिया भी नजर आ रहा है, दूर से भागते हुए आ रहे हैं। और क्लोजअप आपको दिखाने हैं जब वो किसी के मुंह पे मुक्का पड़ रहा है, कोई गिर रहा है, कोई उठ रहा है, इस तरीके से आंखों पे गुस्सा है, पसीना आ रहा है, ये सारी चीजें आपकी क्लोजअप शॉट्स में रहेंगी। और लड़ाई देखने का असली मजा वाइड एंगल में ही होता है, जब किसी को उड़ते हुए हम देख रहे हैं और वो सीक्वेंस हमारा पता चल रहा है। क्लोजअप के अंदर अगर हम ये फाइट दिखाएंगे तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा मुक्का कब आ रहा है, कहां कौन गिर रहा है, कौन क्या हो रहा है। तो इसलिए हमारे वाइड एंगल और क्लोजअप ये दो शॉट होते हैं, मीडियम शॉट हमें नहीं लेने। एक्शन सीन्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर तो आपको हीरो को जिताना है लड़ाई में, तो हमेशा आपका कैमरा एंगल नीचे से रहेगा ऊपर की तरफ हीरो के लिए, और वहीं पर आपका एंगल रहेगा ऊपर से लेके नीचे की तरफ विलन के लिए। क्योंकि जब आप कैमरा एंगल नीचे से रखोगे, हीरो बहुत ज्यादा बड़ा दिखाई देगा, उतना ही ज्यादा एक्शन हीरो वो ज्यादा लगेगा कि हाँ भैया अब इसके अंदर पावर है, ये मारने वाला है। वहीं पर कैमरा एंगल अगर आपका ऊपर से नीचे की तरफ होगा तो हमारा जो विलन है उतना ही छोटा होता जाएगा और वहीं पर वो कमजोर दिखाई देगा। जैसे KGF के एक्शन सीन में संजय दत्त को पावरफुल दिखाने के लिए कैमरा एंगल नीचे से किया गया जब तक वो यश को मार रहा है, लेकिन जैसे ही यश के हाथ में हथौड़ा आया, पावर रोल हमारे चेंज हो गए और संजय दत्त को पीटते हुए जब दिखाया तो कैमरा एंगल उनका ऊपर से हो गया और यश के लिए हमारा कैमरा एंगल नीचे से हो गया। ठीक ऐसे ही गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर भी जब रैमसी को पावरफुल दिखाया गया, जो कि एक विलन है, उसको पावरफुल दिखाने के लिए कैमरा एंगल हमारा नीचे से किया गया जब वो हीरो को धमकी दे रहा है। अब जब रैमसी धमकी दे रहा है तो वहां पर देखो हीरो को कैसे कैमरा एंगल ऊपर की तरफ से नीचे दिखाया गया, ताकि हीरो जो है हमारा थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे। वहीं पर लास्ट में आते आते जब रैमसी पिटने लगा तो रैमसी के लिए कैमरा एंगल ऊपर चला गया, क्योंकि वो अब लाचार हो चुका था। जहां पर जॉन स्नो पावर में आ चुके थे तो उनके लिए कैमरा एंगल नीचे से दिखाया गया। किसी भी मूवी की स्टार्टिंग में देखना, जब विलन पावरफुल होता है कि विलन हीरो को मारता है या हीरो के भाई को मारता है, तो वहां पर उसका कैमरा एंगल नीचे से होता है, क्योंकि हीरो उस टाइम कमजोर है और विलन के ऊपर नीचे से कैमरा है, क्योंकि विलन इस समय ज्यादा ताकतवर है। लेकिन जब क्लाइमैक्स आने लगता है तो कैमरा एंगल हमारा हीरो के लिए ऊपर से नीचे हो जाता है और गुंडे के लिए नीचे से ऊपर, यानी कि पावर जो है, पावर रोल हमारे चेंज हो जाते हैं, हीरो शक्तिशाली हो जाता है और गुंडा कमजोर। ये चीज आपको ध्यान में रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कैमरा एंगल सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे एक्शन को अच्छा बनाने के लिए। और सिनेमा का आपको एक बहुत ही अनस्पोकन रूल बताऊं अगर मैं, तो कैमरा एंगल की जो डायरेक्शन है, हीरो हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा और विलन हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा। ऐसा हर मूवी में नहीं होता, लेकिन 90% मूवीज के अंदर ऐसा ही होता है एक्शन को शूट करते हुए। ये अनस्पोकन रूल्स होते हैं कुछ फिल्म मेकिंग के, जिनको आप तोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपको पता हो तो रूल्स को फॉलो करने में भी इजी रहता है, ताकि आप एक सिनेमैटिक मास्टरपीस बना पाओ एक इंडस्ट्री लेवल स्टैंडर्ड से। तो अगर वीडियो को समअप करने लगे तो यहाँ पर देखो, कैमरा एंगल हमेशा हीरो के लिए नीचे से रहेगा और लेफ्ट से जाएगा, वहीं पर आपका विलन के लिए ऊपर से रहेगा और राइट से आएगा। शूट हमेशा आपको 50 या 60 FPS के ऊपर करना है, और हमेशा एक्टर्स के साथ साथ अपने कैमरामैन की भी कोरियोग्राफी आपको करनी है, जहां पर कैमरा एंगल कहां जाएगा, किस टाइम जाएगा, वो आपको पता होना चाहिए। और अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक हो जाते हैं एक हफ्ते के अंदर, तो आप ही लोगों को हम बुलाएंगे, जिसमें जिनको सीखना है कि वीडियो कैसे बनाते हैं उनको हम सिखाएंगे एक्शन शूट करना, जिनको एक्टर बनना है उनको एज एक्टर बुलाएंगे, जिनको डायरेक्टर बनना है उनको एज डायरेक्टर बुला के ये वीडियो हम खुद एक बनाएंगे फिल्म, जिसमें आप लोग ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर आप वो करना चाहते हो तो जल्दी से लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को।